कई भगवत प्रेरणा से समय के अवयव निकल जाने के बाद आज जो है फिर जगत गुरु शंकराचार्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में जो लोगों के प्रश्नोत्तर का क्रम चल रहा था आज प्रारंभ हो रहा है। और कोई ऐसा व्यवधान न पड़े ऐसा आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करें, अनवरत ये कार्य चलता रहे। और भी हमारी संस्था के कई प्रकल्प हैं जिनको प्रारंभ करना है और सुचारू रूप से आगे संचालन करना है, जिसके लिए हमें सुयोग्य पुरुषों की, बहनों की भी आवश्यकता है जो निस्वार्थ भाव से सनातन धर्म के लिए स्वयं सनातन धर्म के नियमों का पालन करते हुए लोगों को भी प्रेरित अग्रसर और परिपालन के लिए उनको इसमें श्रृंखला में आबद्ध करें और उन्हें प्रेरणा दें। इसलिए विभिन्न प्रकार के प्रकल्प हैं और उनमें सहयोग की परम आवश्यकता है। वैसे तो हर समय ही ऐसा है कि संघ में लोग मिलकर के जो कार्य करते हैं उसमें ज़्यादा लाभ होता है। कलयुग के लिए तो विशेष ही महापुरुषों का निर्देश है कि संघे शक्ति कलयुगे। अन्य युगों में एक ही व्यक्ति, एक ही कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अकेले ही कई कार्य प्रारंभ किए, धीरे धीरे कोई कई लोग जुड़ गए और वो प्रकल्प चलता रहा। कलयुग में तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्म तो है ही, ये तीनों ही बल लोगों में क्षीण हो जाएंगे। तो इसलिए सब मिलकर के अगर कुछ बात कहना भी है, समझाना भी है, कलयुग की तो ऐसी महिमा है कि यहाँ कई जो है विपरीत लोग मिलकर के, जैसे आवारा तत्व तो मिलकर के भी बहुसंख्या में हो जाए तो वे लोग भी गलत बात को सत्य मनवा लेते हैं और ऐसा देखा भी जा रहा है। यहाँ तक कि वे मठों, मंदिरों, राज्यों, देशों पर भी कब्जा कर लेते हैं और संघ के कारण, माने समूह के कारण, लोगों को मिलने के कारण वो अकेला व्यक्ति स्वयं अपनी साधना भी नहीं कर पा रहा है। आज की स्थिति ऐसी है। इसलिए सनातन धर्मियों का, सनातन धर्म को उनका परम सहयोग अपेक्षित है। तो आप लोग अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्यानुसार स्वयं पालन करते हुए लोगों को भी पालन करवाने की इच्छा रखते हुए और भगवान श्री आद्य शंकराचार्य के द्वारा प्रशस्त इस मार्ग का अब लोगों को अवलंबन कराने के लिए इसका अपने तन मन धन से सहयोग अवश्य करें। ऐसी हम सभी की, आचार्यों की और स्वयं जगत गुरुओं की और सनातन धर्म की भी ये अपेक्षा है। हर हर महादेव।